भारतीय जनता पार्टी के रडार पर हम बार बार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 से ज़्यादा अब 2025 की तैयारियों में जुट गई है और 2024 के तैयारी के लिए भी उसे सबसे पहले तेजस्वी यादव को डैमेज करना पड़ेगा। अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ रहे तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मुश्किलें बिहार में ज़रूर होंगी। इतना ही नहीं, 18 तारीख को जो बैठक होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, उसके लिए भी पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी तैयार हो रही है। लेकिन जिस तरह से 13 तारीख को पटना में जो कुछ भी हुआ, जो विधानसभा मार्च कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें पुलिसिया कार्रवाई हुई, उसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है और इसके जड़ में कहीं ना कहीं महागठबंधन की जड़ें हिलाने की कोशिश की जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता महागठबंधन की सरकार और खास करके तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। नीतीश कुमार हालांकि बिहार के मुखिया हैं, उनके हाथ में ही गृह विभाग है, लेकिन रडार पर तेजस्वी यादव हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कई ऐसे सबूत दिए। मुख्यमंत्री जी, हस्तिनापुर के गुलामों को आपने जिस तरह से आदेश देकर 20,000 से ज्यादा पुलिस को लगाया, कई दर्जन कैमरे लगवाए, हर नेता के पीछे कैमरा लगा था, हम पर जिस तरह से लाठियां आपने बरसाया, जानलेवा हमला किया, आपने हमारे कार्यकर्ता को किस तरह से लाठी बरसाया है उसकी निशानी शरीर पर अभी भी मौजूद है, कई लोगों को ब्रेन पर हमला हुआ, कई लोगों का लहू बहा है, हमारे जिला अध्यक्ष को हमारे किसान मोर्चा के विपिन जी का लहू बहा है, जो पेपर में भी आया है, आज हमारा विजय सिंह का हत्या आपने कर दिया, आज मिर्ची पाउडर आपके कैमरे में कैद क्यों नहीं हुआ, क्यों झूठा बयान दे रहे हैं, और इस तरह से आपने जानलेवा हमला कर करके जो जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील आपने कर दिया, लोगों के मन के अंदर भय पैदा करने का, आपके भ्रष्टाचार अपराध के विरुद्ध कोई बोल न सके, घोषित आपातकाल लगा दिया है, आप हस्तिनापुर के गुलाम को जिस तरह से निर्देश दिए अपने धृतराष्ट्र बन करके, अपने दुर्योधन को बड़े भाई छोटे भाई मिलकर के बैठाने के लिए गद्दी पर, आप बिहार के अंदर उन्माद पैदा करके महाभारत कराना चाहते हैं, महाभारत अब होगी भ्रष्टाचार अपराध के विरुद्ध, महाभारत होगी आपके भ्रष्टाचारी वंशवाद के विरुद्ध, और बिहार की जनता, ये लोकतंत्र की धरती है, कभी आपको माफ नहीं करेगा, आप पूरे उच्च स्तरीय जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, आप बरगलाने का खेल बंद करिए, और तानाशाही हिटलरशाही प्रवृत्ति नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र की धरती है, ये लोकतंत्र की धरती लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अधूरे सपने को आप अपने बूटों से रौंद रहे हैं, आप उनके सपनों के साथ उनके सिद्धांत के साथ गद्दारी किए हैं, बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी, इसकी सजा बिहार की जनता देगी, केस मुकदमा से डरने वाले नहीं है, अरे ज्वेल भेजो गोली मारो, लेकिन अपने भावी पीढ़ी के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे, आप शैक्षणिक वातावरण खराब कर दिया, आप अराजकता भ्रष्टाचार अपराध के कारण दर्जनों लोग मारे जाते हैं, ये माहौल बिहार के अंदर बंद होनी चाहिए, सत्ता में रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है, इस शासन को बिना हटाए हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, ये लड़ाई अब गांव के गलियों तक जाएगी, और आप जैसे अत्याचारी दुराचारी व्यभिचारी भ्रष्टाचारी जो बात बिहार के वातावरण में माहौल खराब कर रहे हैं, इसके विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।